हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए एक शानदार सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये तो विद्युत विभव और विभवांतर जो है सुनने में तो सिंपल है, पर इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि विद्युत विभव किसे कहेंगे और विभवांतर किसे कहेंगे, इन दोनों में आखिर डिफरेंट क्या है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर विद्युत विभव किसे कहेंगे और विभवांतर किसे कहेंगे और इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये जो सबका जो डाउट होता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं, आप उससे आगे निकल जाएंगे और इस तरह का डाउट आपके मन में कभी भी नहीं रहेगा कि हम विद्युत विभव किसे कहेंगे और विभवांतर किसे कहेंगे। तो चलिए चलते हैं, बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव यानी कि इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यह क्या कह रहा है कि एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। सिंपल से समझेंगे कि मतलब कोई एकांक धनात्मक आवेश है, हमको कहाँ से लाना है, अनंत से। तो याद रखना है, बस ये कुछ भी बड़ा डिफिनेशन नहीं है, बस दो ही चीज़ें इसमें। कौन सा आवेश लाएगा? धनात्मक आवेश कहाँ से लाएगा? तो लाएगा अनंत से। कहाँ से? अनंत से। कहाँ तक? किसी बिंदु तक। और किसी बिंदु तक ले आने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। ध्यान से, विद्युत विभव को कैसे याद करेंगे? मतलब अनंत से धनात्मक आवेश को लाना है किसी बिंदु तक, अनंत से धनात्मक आवेश को लाना है किसी बिंदु तक, और लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। ध्यान से, कैसे याद करेंगे? मतलब कि एकांक धनात्मक आवेश को कहाँ से? अनंत से। साथ में बोलेंगे कि एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ध्यान से, तो अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि एकांक धनात्मक आवेश को कहाँ से लाना है? अनंत से लाना है। कहाँ तक? किसी बिंदु तक। और जो किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। तो ये भी बराबर क्या हो गया? डब्लू बटा क्यू। मतलब भी जो हो गया विभव हो गया, भी क्या हो गया? विभव हो गया। और हमको कार्य करना पड़ेगा किसको लाने में? आवेश को लाने में। तो भी बराबर डब्लू बटा क्यू। यहाँ पर भी जो है विद्युत विभव है और डब्लू क्या है? कार्य है। और क्यू क्या है? आवेश है। भी विभव है, डब्लू कार्य है, और ये क्यू क्या है? आवेश है। वो कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश है। तो ये बात हम लोग सीख चुके हैं कि विद्युत विभव किसे कहेंगे। तो विद्युत विभव यानी कि धनात्मक आवेश को लाएंगे कहाँ से? अनंत से। कहाँ तक लाएंगे? किसी बिंदु तक। और जो उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। अब बोल रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। ध्यान से देखिए, बताते हैं। भी बराबर भीम लिखे डब्लू बटा क्यू। तो इसका मतलब एसआई मात्रक कैसे निकालते? किसी भी राशि का एसआई मात्रक हम निकालते इस तरह से, जैसे डब्लू यानी कि कार्य, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और क्यू यानी आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भी बराबर जूल प्रति कूलाम। ये हो गया मात्रक। ये हो गया क्या? मात्रक। यानी कि विद्युत विभव का मात्रक जो है जूल प्रति कूलाम है, या तो दूसरा मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। मतलब इसको वोल्ट क्यों रखा गया? ऐसे तो जनरली एसआई मात्रक के हिसाब से चलते हैं, तो विद्युत विभव का जो मात्रक है जूल प्रति कूलाम है, लेकिन ये वोल्ट क्यों रखा गया इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। वोल्ट जो है मतलब कि एक वैज्ञानिक के नाम, मतलब कि सम्मान में रखा गया, जो मतलब विद्युत विभव के बारे में कुछ चर्चा किए थे कि मतलब विद्युत विभव कुछ इस तरह से रहता है कि अगर हम कोई धनात्मक आवेश को मतलब अनंत से अगर लाते हैं किसी बिंदु तक तो जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं उस बिंदु का। तो इसका चर्चा कौन किए थे? तो एक वैज्ञानिक थे इटली के, कहाँ के? इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम अलेसांद्रो वोल्टा था। अले
सांद्रो वोल्टा था। ध्यान से, अगर पूछा जाए कि विद्युत विभव का जो दूसरा मात्रक वोल्ट है वो किसके सम्मान में रखा गया, तो एक इटली का वैज्ञानिक थे जिनका नाम अलेसांद्रो वोल्टा था। इन्होंने ही विद्युत विभव के बारे में कुछ बात किए थे, कुछ चर्चा किए थे, इसके कारण इनके सम्मान में ही, अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में ही विद्युत विभव का जो दूसरा मात्रक है वोल्ट है। और इसका मतलब कि एक और मात्रक जो है जूल प्रति कूलाम है, मतलब कि फॉर्मूला के हिसाब से जो भी निकाले हैं वो जूल प्रति कूलाम है। अगर बोल दे कि जूल प्रति कूलाम बराबर क्या होता है, तो वोल्ट होता है। 1 जूल 1 प्रति कूलाम मतलब कि एक एकांक धनात्मक आवेश को 1 जूल का कार्य करना पड़ेगा, तब उसे 1 वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। तो ध्यान से कि वोल्ट किसके सम्मान में, तो अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में। अलेसांद्रो वोल्टा कहाँ के वैज्ञानिक? इटली के वैज्ञानिक। ये बात क्लियर हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर से विद्युत विभव के बारे में हम चर्चा कर लिए। अगला पॉइंट की कि जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं। अभी तुरंत बताएं कि जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं, अर्थात विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी है। अर्थात विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी है, और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट जो है वो किसके सम्मान में, तो अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में। ये कहाँ के वैज्ञानिक? तो इटली के वैज्ञानिक। क्लियर है। अब अगला बात करते हैं कि अनावेशित वस्तु का विभव शून्य, मतलब कि कोई भी वस्तु जो है अगर अनावेशित है, मतलब कि अवेशित उसे नहीं किया गया है, तो उसका जो विभव होगा वह शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। और अनंत पर जो विभव लेंगे वो भी क्या होगा? शून्य होगा। मतलब अनंत पर विद्युत विभव जो होता है शून्य होता है, और अगर कोई वस्तु अनावेशित है तो उसका भी विभव शून्य ही होगा। ध्यान से अगर पूछे ऐसी इस तरह से क्वेश्चन है कि किसी भी मतलब कि अनंत पर, किसी मतलब कि अनंत पर जो विद्युत विभव होता है उसको कितना माना जाता है, तो शून्य के बराबर माना जाता है। अगर पूछ दे कि यानी कि कोई वस्तु जो है अनावेशित है, क्या है? अनावेशित है मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, तब उसका विद्युत विभव क्या होगा? तो उसका विद्युत विभव भी शून्य होगा। अगर बात कर दे धनात्मक या ऋणात्मक, कि कोई अगर वस्तु जो है वो धनात्मक आवेश उस पर है तो उसका विद्युत विभव क्या होगा? तो धनात्मक होगा। अगर वस्तु पर चार्ज धनात्मक है तो उसका विभव भी धनात्मक होगा, क्योंकि आवेश लाना है, और आवेश जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का आवेश लाया जाएगा। तो अगर वस्तु धनावेशित है तो उसका विभव धनात्मक होगा। अगर वस्तु ऋणावेशित है, ऋणावेशित है, तो उसका विद्युत विभव भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक। अगर विद्युत विभव मतलब कि कोई वस्तु जो है उसका मतलब कि जो मतलब कि कोई वस्तु है वह अगर अनावेशित है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका विद्युत विभव शून्य होगा। और कोई भी अनंत पर जो विद्युत विभव अगर बात किया जाए तो उसको भी शून्य ही माना जाता है। तो हम लोग ये विद्युत विभव के बारे में बात कर रहे हैं। विद्युत विभव क्या किसे कहते हैं? तो जब किसी एकांक धनात्मक आवेश को कहाँ से लाना है? अनंत से लाना है। किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु को आप विद्युत विभव कहेंगे। और विद्युत विभव का जो मात्रक है एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, और इसे हम जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं, अर्थात विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अगर अनावेशित वस्तु का विभव पूछे तो कितना? शून्य। अनंत पर विद्युत विभव पूछे तो कितना? शून्य। अगर धनात्मक धनावेशित वस्तु है तो उसका भी विद्युत विभव धनात्मक, ऋणावेशित वस्तु अगर है तो उसका जो आवेश हुआ मतलब विद्युत विभव जो है ऋणात्मक होगा। अब हम लोग विद्युत विभव के बारे में समानता जो भी ज्ञान था, जो भी मतलब टॉपिक थे, जो भी प्रश्न बन रहे थे वो देख लें। अब आएंगे विभवांतर के बारे में। किसके बारे में? विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या कहता है? विद्युत विभव तो बोला कि अनंत से लाना है धनात्मक आवेश किसी बिंदु तक, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। विभवांतर बस इसी से बना है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्या है इसको देखते हैं। बोल रहा है एकांक धनावेश, एकांक धनावेश मतलब कि धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब इसमें निश्चित कर दिया है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है हम आगे समझाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाता है, या तो उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं।
जैसे मान लिया जाए इधर अनंत है, अनंत पर विभव मान लिया जाए कितना है, अब इस मान लिया विभव शून्य मान लिया। अब यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु है तो इन दोनों के बीच जो है लाने में जितना मतलब कि धनात्मक धन आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसे उस दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर कहा जाएगा। या तो सिंपल इसको आद कैसे रख सकते हैं कि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है। विभवांतर किसे कहते हैं, तो विभवांतर जो है किसी दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का जो अंतर होता है उसे ही विभवांतर कहते हैं। सिंपल आप किसी भी तरह याद कर सकते हैं। विभवांतर कहने का मतलब कि दो बिंदु है उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होगा उसे ही हम विभवांतर कहेंगे सिंपली। अब जैसे बोला कि मान लिया जाए कह रहा है कि इसका ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट होता है क्योंकि यह विद्युत विभव से बना है और विद्युत विभव का भी मात्रक वोल्ट है तो इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा। तो इसको समझेंगे जैसे ये कोई वायर है और बिंदु बी से आवेश आ रहा है कहाँ, बिंदु ए तक, तो आ रहा है तो इन दो एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ले जा रहा है और इन दोनों के बीच जितना कार्य करना पड़ेगा उसे ही विभव विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, विभवांतर। जैसे लिखा है क्यू आवेश का बिंदु बी से कहाँ से बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी मान लिया है। कितना मान लिया है, डब्ल्यू ए बी, मतलब बिंदु बी से लिया जा रहा है कार्य, मतलब कि बिंदु बी से बिंदु ए तक मतलब कि धन आवेश को पहुंचा रहे हैं तो इन दोनों के बीच जो किया गया कार्य है वो डब्ल्यू ए बी है, डब्ल्यू ए बी है। तो बोल रहा है कि ए और बी के बीच का विभव का अंतर, तो विभवांतर यहाँ पर भी वी है यहाँ पर ए है तो इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इसमें घटा देंगे इसको तो निकल जाएगा विभवांतर, मतलब जो अंतिम विभव उत्पन्न जो होगा उसको हम पहले वाले विभव से घटाएंगे तो विभवांतर निकल जाएगा, यानी कि वी ए माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू ए बी, मतलब कि किया गया ए और बिंदु ए और बी के बीच जो किया गया कार्य है उसके बटा मतलब कि हुआ और बटा फिर आवेश, तो इसका भी मात्रक तो हो जाएगा जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम या तो वोल्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें विभवांतर क्या है कि मतलब दो बिंदुओं के बीच जो उत्पन्न विभव होगा उसका जो अंतर होगा उसी को हम विभवांतर कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो विद्युत विभव है और विभवांतर है अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, नहीं तो फिर से देखते हैं। विद्युत विभव क्या, तो एकांक धनात्मक आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से किसी बिंदु तक, मतलब एक जो सीमा है वो अनंत है कोई निश्चित नहीं, अनंत से लाना है और किसी बिंदु तक लाकर पहुंचाना है और पहुंचाने के बीच जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम विद्युत विभव कहेंगे। इसको भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, भी यहाँ पर क्या है तो विद्युत विभव है, हम इसको विभवांतर से भी सूचित कर सकते हैं, और वह डब्लू डब्लू कार्य है और क्यू क्या है आवेश है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलम होता है और जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट कहते हैं, और इसका मतलब अगर जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहेंगे तो विद्युत विभव का भी मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और वोल्ट किसके सम्मान में रखा गया, तो अलेसांद्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक के सम्मान में जो कि इटली के निवासी थे। अब कह रहा है कि अनावेशित वस्तु का विभव शून्य होता है, और फिर अगर अनावेशित वस्तु का विभव शून्य है तो धनावेशित वस्तु का विभव क्या होगा, तो धन आवेश होगा। ऋणावेशित वस्तु का विद्युत विभव क्या होगा, तो ऋण आवेश होगा। अब इसमें बोला कि अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है, विद्युत विभव खत्म। विभवांतर की बात की जाए तो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है, बस इतना ही बात करना है। और ये दोनों सब डिफरेंट था इसमें। और बात किया जाए विभवांतर, हम बताते हैं कि विभवांतर में क्या होता है कि धन आवेश वाला जो धन आवेश वाला विभव होगा, धनावेश विभव जो होगा वो होगा मतलब कि धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाएगा, यानी कि धन आवेश से किधर जाएगा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाएगा, किधर जाएगा, ऋण आवेश की ओर जाएगा। मतलब हम लोग पहले ही जानते हैं कि विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है वो किधर से किधर होता है, उसका दिशा क्या होता है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। तो इस प्रकार से मतलब कि जो विभवांतर है, विभवांतर में धन आवेश विभव जो होगा वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बहेगा, और ऋण आवेश जो विभव होगा उसमें मतलब कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर विद्युत विभव बहेगा।
तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो कि आप इतने कीमती समय मेरे लिए दिए हैं और उसके बाद इस वीडियो पे समय गवाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको उचित ज्ञान इससे प्राप्त हुआ होगा। अगर उचित ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, मतलब कि अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।